कसराव विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय सायता और सीएम राइस सायता के बच्चे आज संभाग स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित खेल प्रशिक्षकों की टीम के साथ इंदौर के लिए रवाना हुए, जहां तरुण पुष्कर महुना का इंदौर में भाग लेंगे। तैराकी के लिए ग्राम नावदा तोड़ी की भारती केवट को कोच बनाया गया। उल्लेखनीय है कि भारती केवट की बड़ी बहन कीर्ति केवट भी केनो सलालम में देश का प्रतिनिधित्व कर कई मेडल जीत चुकी हैं। संस्था के प्रधान पाठक संजय शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था के दो बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं। इनका प्रशिक्षण नर्मदा नदी में कराया गया है, जिसमें बच्चों ने जिला स्तर पर भी पुरस्कार प्राप्त किया था। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कौन से स्कूल के बच्चे और कहाँ की तैयारी है? ये जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर सिलेक्ट होकर के संभाग स्तर पर खेलने के लिए बच्चे जा रहे हैं। इसमें माध्यमिक विद्यालय सहायता के हैं, उत्कृष्ट विद्यालय के हैं और कन्या हायर सेकेंडरी के हैं। सरदार वल्लभ भाई के बच्चे भी हैं, जिन्होंने बैडमिंटन में संभाग स्तरीय इनका लगा है। ये सारे बच्चे आज इंदौर में के तरुण पुष्कर में संभाग स्तरीय खेलने के लिए जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? संजय शर्मा। आप टीचर भी हैं, कोच भी हैं? हाँ, मैं कोच नहीं, मैं टीचर हूँ। कोच मेरे साथ में भारती है, भारती कोच के साथ जा रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके जो छात्र हैं उन्होंने जिला स्तर पर सफलता प्राप्त की, अब संभाग के लिए जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आपके? बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों ने। बहुत जब से इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है संभाग के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि किसी एक बच्चे का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये बच्चे अभी कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? ये नर्मदा घाट। नर्मदा में मतलब क्योंकि डेंजर घाट होता है वहाँ पर करते हैं, अब इनको जो है वहाँ पर एक स्विमिंग पूल में करना पड़ेगा, इसमें कोई फर्क आएगा इनकी तैराकी में? हाँ, क्योंकि नर्मदा का पानी बहता हुआ होता है और स्विमिंग का तो ठहरा हुआ रहता है, उनको इस हिसाब से थोड़ी तैयारी करवाई। चलो, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप नेशनल लेवल तक जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।